अब बात एक ऐसे घोटाले की जो अतीत बन गया लेकिन उसका जिन्न बार बार बाहर आता है। बात लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के घोटाले से जुड़ी है, जो लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने खुलेआम खेल कर दिया। ये तो भला हो कि मंडलायुक्त की जांच में अब परतें खुलने लगी हैं। बात सरोजनी नगर के भटगांव इलाके का, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकारी ज़मीनों का और प्राइवेट ज़मीनों का अधिग्रहण होना था। यहां पर सरकारी अफसरों ने मिलकर ज़मीनों की लूट की और सरकार से करोड़ों का मुआवजा उठाकर हजम कर लिया। बताया जाता है कि भटगांव इलाके में 110 बीघा सरकारी ज़मीनों को भूमि माफियाओं को बेचने और अफसरों ने अपने रिश्तेदारों, ड्राइवरों और अनुसेवकों के नाम दर्ज कराकर उनका मुआवजा हड़पा है। इस बात का खुलासा मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ है। प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें सरोजनी नगर के 3 तहसीलदार विनय कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र, उमेश कुमार सिंह, ये दोषी पाए गए हैं। इस मामले में 5 PCS अफसर जो SDM और ACM रहे हैं वो भी फंस रहे हैं। गौरतलब है कि भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया था। इसका पता चलने पर तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे गांव की बंजर और ग्राम समाज की कई बीघा जमीनों का 35 साल पुराना पट्टा दिखाकर लोगों के नाम वरासत करा ली। फिर इन ज़मीनों का जब अधिग्रहण हुआ तो उनका मुआवजा भी इन्होंने अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों और चतुर श्रेणी लोगों के नाम पर उठवा लिया। इसको लेकर तत्कालीन कानूनगो जितेंद्र सिंह उस समय बहुत चर्चा में आया था, जिसका निलंबन भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये बात एक अधूरी रह जाती है कि लखनऊ के तत्कालीन DM अभिषेक प्रकाश अभी तक इस पूरे मामले से बचे हुए हैं। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम IAS अफसरों में से हैं। उन्होंने लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार के कई मानक स्थापित किए और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भटगांव में जो ज़मीनों का खेल अफसरों ने, SDM ने, कानूनगो ने मिलकर किया, उसमें बहुत बड़ा संरक्षण अभिषेक प्रकाश का रहा है। अभिषेक प्रकाश इस पूरे मामले में एक ऐसे अफसर हैं जिन पर अभी तक ना तो कोई SIT गठित की गई है, ना सरकार ने उनके खिलाफ किसी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबकि जिला अधिकारी की यह सीधे जिम्मेदारी होती है कि अगर उनकी तहसीलों में इस तरह के काम हो रहे हैं, ज़मीनों की लूट हो रही है, कानूनगो और तहसीलदार मिलकर बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, तो आखिर बैठकर क्या देखते रहे। अब ये मामला फिर आया है, छोटों की गर्दन नाप कर बड़ों को बचाने का खेल चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है, वो बड़े बड़े IAS अफसरों पर कब तक टॉलरेंस करती दिखाती रहेगी। क्योंकि सियासत में तो दोहरा मापदंड सक चल सकता है, लेकिन अफसरों के मामले में, कार्रवाई के मामले में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। कार्रवाई एक समान रूप से सब पर दिखनी चाहिए। अभिषेक प्रकाश अभी तक इस कार्रवाई से बचे हुए हैं और सरकार उनकी भी इस जांच में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के रूप में वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। जितेंद्र सिंह जैसे अफसरों को उनका खुला संरक्षण था और लोग यहाँ तक कहते हैं कि अभिषेक प्रकाश के वो जितेंद्र सिंह खजांची थे। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए एक नई जांच कमेटी गठित होनी चाहिए।